नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे AIB की परीक्षा एक वर्ष में कितनी बार होती है, या AIB की परीक्षा मैं कितनी बार दे सकता हूँ। या एक हमारी यूजर हैं, उनका एक प्रश्न था, बहुत दिनों से उस प्रश्न को कर रहे हैं वो, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो आज इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि AIB की परीक्षा 2023 में कब होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा के विषय में कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा होती क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो लोग विधि के व्यवसाय में या लीगल फील्ड होता है, जो एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसको कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो AIB की परीक्षा है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है। जो लोग लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए आयोजित होती है। वे लोग जिन्होंने LLB कर रखी है, LLB फाइनल ईयर में है, उनका रिजल्ट आ गया है, वे लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो आपको बता दूं। दोस्तों देखिए, यदि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करने जाएंगे। जहां पे प्रैक्टिस करने चाहते हैं, जैसे आपकी कोई लोकल बार है, लोकल बार कहा जाए तो आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट बार है, सबसे पहले वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। आपके कोई सीनियर होंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके द्वारा वहां पे बार में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, वहां की सदस्यता ली जाएगी। उसके बाद आपकी जो स्टेट बार है, स्टेट बार काउंसिल है, जैसे उत्तर प्रदेश की कहा जाए तो बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी की है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली दिल्ली की है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान राजस्थान की है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य के लिए एक स्टेट बार काउंसिल है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सबसे पहले वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और उसकी वैलिडिटी देंगे कि यह रजिस्ट्रेशन केवल 2 वर्ष के लिए बना हुआ है। आप 2 वर्ष के लिए अपने स्टेट में, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में 2 वर्ष के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। विद इन द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा पास करनी है। परीक्षा पास करने के बाद आप पुनः बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा, उसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां पे सबमिट करेंगे। उसके बाद जो आपका COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड होगा, मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि COP कैसे मिलेगा, COP की प्रोसेस क्या है, तो ये आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि उसके बाद जो पूरा प्रोसेस जो हो जाएगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। आप फिर अपनी जो प्रैक्टिस है आपकी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये तो था आपका AIB का प्रोसेस। अब बात करते हैं कि AIB की परीक्षा साल में कितनी बार होती है। दोस्तों, एज पर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है वर्ष में 2 बार होती है, एक साल में 2 बार होगी, उनकी वेबसाइट पे दे रखा है ये, आप देख सकते हैं जाकर के। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा जैसे अभी 2020 में या 21 में हुई थी, वो केवल एक ही बार हुई थी, उससे ही पहले शायद एक ही बार हुई थी। परीक्षा एक बार कंडक्ट कराता है, उसके सेंटर्स होते हैं। जैसे अभी जो लास्ट परीक्षा हुई थी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 की जो परीक्षा हुई थी, 5 फरवरी को हुई थी, उसके आंसर कीज आ गई हैं, आपको पूरी मैंने वीडियोज बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो साल में एक बार आयोजित कराता है। अब बात करते हैं हमारे यूजर का प्रश्न, जिन्होंने एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा 2023 में अब कब होगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है 2023 में जो होनी थी वो हो गई है। 5 फरवरी 2023 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा हो गई है, अभी उसका आंसर की जा रखी है। आपकी अगर कोई क्वेरी थी, आपने जो क्वेरी सबमिट कर दी थी वो वेटिंग में है, अभी उसका रिजल्ट प्रस्तावित है, रिजल्ट के लिए वेटिंग हो रहा है। अगर जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा
देना चाहते हैं या देने की जो तैयारी कर रहे हैं, या मेरे यूजर का जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका प्रश्न था कि 2023 में कब होगी, तो उनको बता दूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा 2023 में अब नहीं होगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा अब 2024 में होगी। यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है उसकी अभी तैयारी कर सकते हैं। 2024 में जब उनकी नोटिफिकेशंस आएगी आप उस नोटिफिकेशंस पे जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि उनके क्राइटेरिया इसको आप फिलअप कर रहे होंगे तो आप 2024 की जो परीक्षा है आप उसमें बैठ सकते हैं और 2024 की परीक्षा को पास कर सकते हैं। मैंने मेरी पुरानी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं, मैं उनमें बताया है कि 2000 जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा है उसको प्रॉपरली आप क्लियर या क्रैक कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा है वो ओपन बुक परीक्षा है, इसमें इतना घबराहट या इतनी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पढ़ाई ही करनी है, यदि आपको तैयारी ही करनी है तो PCSJ की तैयारी कीजिए, उसमें तैयारी की आवश्यकता है। HGS की तैयारी कीजिए, उसमें तैयारी की आवश्यकता है। इसमें इतना फोकस करने की या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंडेटरी है। मैं खुद इस चीज़ को मानना हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा है ये मैंडेटरी है। यदि आप इसको पास नहीं कर सकते हैं तो आप आगे की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, लोगों के मन में फियर रहता है, लेकिन इतना फियर भी आवश्यक नहीं है। आप PCSJ की तैयारी के लिए फियर रखिए, HGS की तैयारी के लिए फियर रखिए। यदि आप प्रॉपर पढ़ाई ही करना चाहते हैं, आप लॉ के फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों के लिए फोकस रखिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हमारी जो वीडियोस पुरानी हैं वो भी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।